ये ब्रज ही विष्णु है, ये ब्रज ही कृष्ण है। यहां का प्रत्येक पौधा, यहां पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। इस ब्रज की सीमा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक छोटे से छोटा कीड़ा भी सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ये वृंदावन धाम है। वज्रनाभ जी बता रहे हैं इस ब्रज की भूमिका, और बाद में उन्होंने एक बात बताई, देखो आप लोग भी समझो। सांडिल्य मुनि कहते हैं वज्रनाभ इस ब्रज के दो रूप हैं, एक है प्रकट वृंदावन, दूसरा है अप्रकट वृंदावन। सावधानी से सुनिएगा, एक है प्रकट वृंदावन, दूसरा है अप्रकट वृंदावन। प्रकट वृंदावन को कहा जाता है व्यवहारिक ब्रज, और अप्रकट वृंदावन को कहा जाता है वास्तविक ब्रज। हम आप जिस ब्रज में बैठे हैं ये प्रकट वृंदावन है, और इसको व्यवहारिक ब्रज कहा जाता है। वास्तविक ब्रज अप्रकट वृंदावन है, जिसमें प्रवेश किसी किसी न्यारे को ही प्राप्त हो पाता है। देखो वृंदावन में क्या क्या है, गली, कुंज गली, निकुंज गली और निभृत निकुंज गली। गली की लीला कौन सी है? गली की लीला वो है जो हम आप सब लोग देख रहे हैं, के बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, ये सब गली की लीला में है। निकुंज गली की लीला में कौन कौन है? भगवान के सखा और श्री राधा रानी के सखा, ये निकुंज गली की लीला। और कुंज गली की लीला में राधा कृष्ण और अष्ट सखियां विराजमान है, और निभृत निकुंज गली में केवल श्याम सुंदर और श्री राधा रानी विराजमान है। ये स्वरूप है इसका। तो प्रकट और अप्रकट दो रूप से वृंदावन विराजमान है। तब वज्रनाभ ने प्रश्न किया, प्रभु अप्रकट वृंदावन का दर्शन कैसे होगा? तब सांडिल्य मुनि बताते हैं अप्रकट वृंदावन का यदि दर्शन करना है तो भासते प्रेम पूर्णानाम। जब तक हृदय में प्रेम पूर्ण भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक अप्रकट वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। अप्रकट वृंदावन का दर्शन किसको हुआ? श्री मीराबाई को हुआ है, श्री सूरदास जी को हुआ, श्री 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 ओरछा के संत श्री हरिराम व्यास जी को हुआ है अप्रकट वृंदावन का दर्शन। हम आप सब लोगों को प्रकट वृंदावन दिख रहा है, लेकिन अप्रकट वृंदावन को देखने के लिए हृदय में प्रेम होना अति अनिवार्य है। जब तक वो प्रेम नहीं आएगा अप्रकट वृंदावन नहीं दिख सकता। श्री मीराबाई जब पहली बार वृंदावन आई तो वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही मीराबाई को अप्रकट वृंदावन दिखने लगा। सूरदास जी प्रथम बार वृंदावन आए, वृंदावन में प्रवेश करते ही नेत्र नहीं है लेकिन फिर भी ठाकुर जी का दर्शन निरंतर होने लगा। क्यों? क्योंकि हृदय में प्रेम है। कर्माबाई के पिताजी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए, कर्माबाई से कह के गए जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगावे खाना नहीं। कर्माबाई खिचड़ी बना के ठाकुर जी के सामने रखती है, ठाकुर जी से कहती है भोग लगाओ। गोपाल जी बैठे, नहीं लगाओ, मैं बार बार कह रही है प्रभु भोग लगाओ ना, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी। भगवान नहीं लगा रहे। थोड़ी देर बाद भगवान से जाके बोली प्रभु यदि आप ये खिचड़ी नहीं खाओगे तो ये जितने लाल लाल गाल फूल रहे ना आपके पिचक जाएंगे सब, जल्दी से खिचड़ी खा लो। उस प्रेम की इस पुकार को सुनकर के श्री जगन्नाथ भगवान दौड़ करके आए हैं और कर्माबाई के हाथ की बनी हुई उस खिचड़ी को खा रहे हैं। क्या कर्माबाई के पास ज्ञान था, वैराग्य था? नहीं था, केवल प्रेम था। प्रेम श्रेष्ठ है।
प्रेम से ही अप्रकट वृंदावन का दर्शन हो सकता है। श्री रसखान जी को हुआ अप्रकट वृंदावन का दर्शन। प्रेम श्रेष्ठ है, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम ही वृंदावन है। अन्यत्र तीर्थों में, अन्यत्र धामों में आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया जाता है, लेकिन ब्रजधाम की लीला कुछ विचित्र है। श्री नारद जी महाराज यमुना जी के किनारे विचरण करते हैं, तभी एक गोपी को देखते हैं। गोपी ध्यानस्थ बैठी है। नारद जी महाराज कहते हैं, अरे गोपी, अरे जोगनी, किसका ध्यान कर रही है? गोपी नेत्र खोल करके कहती है, नारद जी, ये नंद का लाला हृदय में अटक गया है, बाहर नहीं निकल रहा, तो ध्यान करके उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। ब्रज में ध्यान किया जाता है, और जगह ध्यान किया जाता है, ब्रज के भक्त ध्यान करके ठाकुर जी से कहते हैं, तुम बाहर निकलो तो हम कोई काम करें। ये प्रेम है वृंदावन का। तो सांडिल्य मुनि कहते हैं, अप्रकट वृंदावन का दर्शन होगा, लेकिन प्रेम की स्फूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। सांडिल्य मुनि ने संपूर्ण ब्रज के विषय में बताया और बज्रनाभ से कह दिया, बज्रनाभ जाओ, तुम ब्रज की स्थापना करना शुरू करो, पुनः जीर्ण उद्धार करो ब्रज का। मेरी कृपा से तुम्हें ब्रज के जिस स्थान पर जाओगे उस स्थान पर ठाकुर जी की लीला का दर्शन होने लगेगा। तब मथुरा में जिस कारक ग्रह में भगवान का अवतार हुआ, जिस शिला पर भगवान का अवतार हुआ, उस शिला से बज्रनाभ ने 4 मूर्तियों का निर्माण किया, गोविंद देव, केशव देव, बलदेव और हरि देव। इन 4 देवताओं को बना करके पूरे ब्रजमंडल में स्थापित किया। तो 84 कोस की यात्रा में जो दाऊ जी में श्री बलराम जी विराजमान हैं, वे बज्रनाभ ने बनाए हैं। हरिदेव श्री गोवर्धन नाथ में एक भगवान का स्वरूप है, वो बज्रनाभ ने बनाया है। केशव देव मथुरा में जन्मभूमि के पास में, वो बज्रनाभ ने बनाया है। और गोविंद देव जो आजकल जयपुर में विराजमान हैं, वो भी बज्रनाभ ने अपने हाथों से बनाए हैं। भगवान के जिस शिला पर अवतरण हुआ उस शिला से उनका निर्माण किया गया, और जगह जगह गोवर्धन आदि क्षेत्रों का निर्माण करके उनकी स्थापना बज्रनाभ ने की। और श्री परीक्षित जी महाराज ने इंद्रप्रस्थ जाकर के 3 लोगों को ब्रज में भेजा, व्यापारी, ब्राह्मण और बानर। इन 3 लोगों को कहा, तुम लोग जाकर के ब्रज में निवास करो, और तब से इस ब्रज की महिमा, इस ब्रज की भूमिका प्रारंभ हो गई, ब्रज का जीर्णोद्धार हो गया। अब ब्रज का जीर्णोद्धार हो गया, भगवान सब प्रसन्न हैं ब्रज में, लेकिन भगवान की जो 16,100 पटरानियां हैं वे प्रसन्न नहीं हैं। रुदन करती हुई यमुना के किनारे जाती हैं। यमुना भगवान की पत्नी है, तो यमुना को देख करके 16,100 रानियां यमुना जी से कहती हैं कि अरे सखी, हम भी कृष्ण की पटरानियां हैं, तू भी पटरानी है, हम इतनी दुखी हैं, तू इतनी प्रसन्न क्यों है, तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब श्री कालिंदी जी बताती हैं कि मैं प्रसन्न क्यों कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभुवेण विरहोस्मानन संस्पृशे। कालिंदी कहती है, भगवान श्री कृष्ण किससे प्रेम करते हैं? अपनी ही आत्मा राधा से। और सखियों, मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी अब उस राधा की शरण में ही हूं। कालिंदी कहती है, मैं भी राधा की शरण में हूं, तो जिससे मेरे श्याम सुंदर प्रेम करते हैं उससे मैं भी प्रेम करती हूं, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, मुझे दुख नहीं है। मुझे यदि कोई अभिनेता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अभिनेता उन्हीं का कृपा पात्र है जिनका कृपा पात्र मैं हूं, तो मुझे प्रसन्नता होगी कि नहीं?
बोले जिनके हम शिष्य उन्हीं का ये अभिनेता शिष्य, हम बड़े प्रसन्न हैं। तो ठाकुर जी से तो हम प्रेम करते हैं, राधा रानी कह रही है, लेकिन ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम करने लग जाओ तो कृष्ण जल्दी मिल जाएंगे, मतलब राधा रानी की शरण में चले जाओ। संबंध की श्रेष्ठता अतिशय आवश्यक है प्रेम में।